विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने कार तेज रफ्तारी से चलाते हुए एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 इंजीनियर सुरेश और अश्विनी काफी दूर जा गिरे और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उस वक्त मुकामी लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाला और इसकी पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया। नाबालिग की उम्र 17 साल बताई जाती है। बताया जाता है कि नाबालिग ने कार चलाने से कबल शराब भी पी रखी थी। ये हादसा एक क्लब में पार्टी से आते हुए पेश आया। मालूम हुआ है कि नाबालिग एक रियल एस्टेट डेवलपर का बेटा है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नाबालिग को बच्चों की अदालत के सामने पेश किया है। इल्जाम है कि रियल एस्टेट डेवलपर ने अपने बेटे को निकालने के लिए अच्छी रकम खर्च की है, इसीलिए बेटे को तकरीबन 15 घंटे में जमानत दे दी गई।